अब मित्सुको जैसे ही रेडी होकर अपने दूल्हे के पास जाती है तो इसे इसके दूल्हे की जगह पर एक सुअर मिलता है, जिसे देखकर मित्सुको बहुत ज्यादा डर जाती है और एक टूटी कांच की बोतल को उस सुअर की गर्दन में घुसा देती है। अब मित्सुको और उसकी फ्रेंड चर्च से भागकर बाहर आ जाती है, जहां मित्सुको अपनी फ्रेंड से अलग हो जाती है और एक दूसरी दिशा की ओर भागने लगती है। अब कुछ दूर भागने के बाद जब मित्सुको अपने आप को एक शीशे में देखती है तो वो पाती है कि उसका चेहरा एक बार फिर से बदल गया है और मित्सुको एक बार फिर से नई दुनिया में आ गई है। अब मित्सुको अपने चारों ओर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने एक रेस में भाग ले रखा है और तभी एक लड़की मित्सुको के पास आकर उसे एक नए नाम से पुकारती है। वो मित्सुको को रेस खत्म करने के लिए कहती है। अब मित्सुको जैसे ही उस रेस में दौड़ने लगती है तो इसे रेस में दौड़ती हुई इसकी बेस्ट फ्रेंड भी मिलती है, जहां मित्सुको नोटिस करती है कि उसका चर्च वाला सुअर दूल्हा उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है। अब मित्सुको वहां से भागते हुए एक अंधेरी जगह पर आ जाती है, जहां उसे उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें इस भ्रम की दुनिया के जाल में नहीं फंसना है, तुम्हें अपना असली नाम मित्सुको याद रखना है, जिससे मित्सुको अपने असली रूप में वापस आ जाती है। अब मित्सुको की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम मेरे हाथ में बंधी इन रस्सियों को खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर निकल पाऊं, और तभी मित्सुको उसके हाथ से रस्सियों को खींच देती है, जिससे उसकी फ्रेंड बीच से कट जाती है और उसके बीच से एक बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है।